नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल मेरे ब्रांड रेडीमेड मैन्युफैक्चर में। गोब जींस जो कि अपने जाने वाले प्राइस हो इतने कम प्राइस में, जो कि इतना बढ़िया इनके जींस पूरे इंटरनेशनल ब्रांड है। आज हम जानेंगे यहाँ जिस तरीके से भीड़ लगी हुई है, कम जो कस्टमर बैठे हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया जी आप? एटा यूपी। तो कितने टाइम से गोब जींस से जुड़े हुए हैं आप? कम से कम वो भी 15-16 साल। 15-16 साल से आप गोब जींस में जुड़े हुए हैं। आप भी यूपी से? साथ में ही है। साथ में एटा से। तो क्या खास लगता है मार्केट से आप? ये हमारे यहाँ पे क्या है कि एटा के अंदर जो भी आता है कस्टमर सब गोब मांगते हुए आता है। अच्छा हिसाब किताब बना रखा है गोब का। क्वालिटी अच्छी मिलती है, कलर फेड नहीं होता है, रेट भी जेन्युइन है, अच्छी रेट है और माल भी फुलफुल मिल जाता है। वेराइटी मिलती है। कितने टाइम में चक्कर लग पाता होगा आपको? कितने 10-15 दिन में आ जाते हो। तो मार्केट से जैसे ये प्राइस में क्या कहेंगे कि रेट इनके कैसे हैं? जेन्युइन रेट है, जेन्युइन रेट है। तो आप ऐसे कोई एक खासियत बताइए जिससे गोब जींस से हटके बनाती हो, आपको ज़्यादा पसंद हो इनकी खासियत, इनकी जींस की कुछ खासियत, एक खासियत बताइए। फिनिशिंग वगैरह, क्वालिटी वगैरह सब फैब्रिक अच्छी लगाते हैं, कोई शिकायत नहीं आती, कस्टमर डिमांड करता है। तो कस्टमर जो आते हैं आपको गोब जींस मांगते हुए आते हैं? हाँ, हमारे यहाँ क्षेत्र में गोब ही चलता है सबसे ज़्यादा। सर कहाँ से आए हुए आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से आप गोब कंपनी से कब से जुड़े हुए हैं? सर लगभग 7 साल से काम कर रहे हैं। 7 साल से। और कंपनियों से क्या बेटर है, क्या इस प्राइस जो दे रहे हैं ये तो उसे क्या हट कर ये दे रहे हैं, क्या खासियत है? सर इस पारी का माल बेचते थे थोड़ा महंगा पड़ता था, उसमें फ़ायदा नहीं है। इस माल को बेचने में फ़ायदा होता है, अच्छा माल भी है, रिस्पांस भी बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है, क्वालिटी बेटर होती है, पीसीस की पहनने भी इससे कलर फलर नहीं जाता। कितने टाइम में आप आते हो आप यहाँ? लगभग हर हफ्ते आते हैं। हर हफ्ते सेम डे आते हैं। तकरीबन कितने का करीब माल यहाँ से ले जाते होंगे? ये मान चलिए मिनिमम 40-50 थाउजेंड मतलब हर हफ्ते का। औरों से मतलब और कंपनियों से क्या हटके है? क्वालिटी और फिनिशिंग दोनों बेहतर है। क्वालिटी फिनिशिंग थोड़ा सा इसी रेट में अगर अदर कंपनी में जाएंगे तो और महंगा पड़ जाएगा रेट, लेकिन इस कंपनी में रेट रेशियो बना रहता है। तो स्पार्की इस तरह से नाम हल रहा हो रहा है। स्पार्की का नाम चलता है, नाम पे बिकता है, अलग चीज़ है, लेकिन ये रेट है इससे इसकी और उसी रेट में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसमें क्या खास लग रहा है आपको? पीसी है, फाइन है, अच्छा सिंपल पैंट है, जिसे कलर भी नहीं जाने हैं, क्वालिटी अच्छी है, अच्छा कलर भी मिल जाता है, इसका चार्ट भी अच्छा मिलता है। कहाँ से आए वैसे आप? सर हम मेरठ से हूँ, यूपी से। यूपी मेरठ। तो आप कब से जुड़े हुए हैं गोब जींस से? दो ढाई साल हो गया भाई जुड़े हुए हैं गोब जींस से। तो आप कितने का माल ले जाते होंगे तकरीबन? अपना मंथली लग जाता है सर, 1.5-2 पेटी का माल लग जाता है। 1.5-2 पेटी का लगता है। आपको ये बताइए इस गोब जींस में क्या खास है और मार्केट से? फिनिशिंग अच्छी है, टाइम टू टाइम माल मिल जाता है, क्वांटिटी अच्छी है, क्वांटिटी माल की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मतलब जितना हमें माल चाहिए उतना क्वांटिटी में माल मिल जाता है, शॉर्टेज माल भी रहती है, शॉर्टेज नहीं रहती माल की कभी शॉर्टेज नहीं रहती है, काफ़ी मिल जाता है, काफ़ी मिल जाता है। तो औरों से हटके बनाता है क्या खास है, कुछ बता पाओगे आप? डिफरेंट है मतलब वॉशिंग में डिफरेंट है, मतलब कुछ यूनिक चीज़ देखने को मिलती है। प्राइस में क्या कहेंगे आप? प्राइस ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट से बिल्कुल ओके रिपोर्ट माल है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राहक माल पकड़ता है। सर क्वालिटी बहुत बढ़िया है इनकी, अच्छा और रेट भी वाजिब है, और माल जो बनाते हैं बहुत बढ़िया, लोगों को पसंद आता है, पैटर्न वगैरह इनके ओके हैं, कलर डिजाइनिंग बहुत अच्छे होते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग परचेज करने आते हैं। सर मैं जौनपुर से आया हुआ हूँ। जौनपुर से? हाँ, और हमारा अक्सर माल जाता रहता है जौनपुर। अच्छा माल जाता रहता है। कितने साल से जुड़े हुए हैं आप गोब जींस से? लगभग 10-12 साल हो गया सर इनसे काम करते हुए मेरे। 10-12 साल। तो और कंपनियों से जो हटके है आपको क्या अच्छा लगता है इनका, एक खासियत? सर सबसे बड़ी बात पैटर्न बहुत अच्छा है, पैटर्न होता है, आपको नई नई डिजाइनें मिलती रहती हैं? नई डिजाइनें मिलती रहती हैं, कलर नए मिलते रहते हैं, कपड़े बढ़िया मिलते हैं, क्वालिटियाँ जो है इनकी बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी है। हाँ माल बहुत बढ़िया है, इसलिए हम लोग आते हैं, बराबर आते हैं। कहाँ से आए हैं ये बताइए आप? एटा से आए हो। आप एटा से आए हो तो क्या लगता है आपको गोब जींस में ऐसा क्या खास है? कपड़ा अच्छा है, बढ़िया निकलता है। तो उसके बाद में और जो कंपनियाँ आए हो उनके अपेक्षा में इसमें ऐसा क्या खास है जिससे कि आप क्या हटके दिखते हो? रेट जेन्युइन बढ़िया है, और जो नॉर्मल कस्टमर होता है उसकी रेंज में आ जाता है। गोब जींस से कब से जुड़े हुए हैं? कम से कम 4 साल हो गए। 4 साल हो गए गोब जींस से जुड़े हुए। गोब जींस में ऐसा क्या खास लगता है? गोब जींस का माल बढ़िया है, अच्छा रेट वाइज माल बहुत बढ़िया है। अलग ब्रांडों से इसके अंदर क्या खास लगता है आप? खास ऐसे इनका जैसे वॉशिंग वगैरह है और डिजाइन वगैरह है बहुत बढ़िया, थोड़ा डिजाइन पैटर्न फुल, रेट भी वाजिब है और 2 पैसा मिलता है। तो
और कंपनियों से हट के जो इंटरनेशनल ब्रांड गोप जींस है, ये क्या खास है इसके में? आप एक कोई खासियत बताइए जिससे आपको एकदम दिल से छू जाती हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई कपड़ा जो है, कपड़े की जो पैंट बनती है उसमें फीलिंग जो आगे ऊपर आएगी, फीलिंग, कलर, वाशिंग, ये सब व्यू वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। हाँ, जो कस्टमर हमारा रिटेलर का पकड़ता है, वही पकड़ता है, वो पसंद करता है, वो बार बार ही कहता है मुझे वही पैंट चाहिए, तो हम आते हैं फिर यहाँ से ले जाते हैं, फिर आगे वो सप्लाई करते हैं, रिटेलर हमारे से जुड़े हुए तुमसे जुड़े हुए वो कहते हैं, उनका रिस्पांस अच्छा रहता है तो वो मेरे से करते हैं, तो हम फिर यहाँ से माल। कितने टाइम से गोप से जुड़े हुए हैं आप? हम करीब बाबू जी 10-12 साल के हमेशा यहाँ आते हैं, तो दर्शन करने के लिए मिलते ही हैं गणपति बाबा। सोनीपत में जो इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, डेनिम मैन्युफैक्चरिंग, उसका जो लोगो है वो ये है प्रीमो, जो कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। और ये एक तो अपने प्राइस को कम करने के लिए खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। गांधीनगर, पूरी दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया के मुंबई माल जाते हैं हमारा, कोलकाता, जहाँ पे भी डेनिम की मतलब फैब्रिकेशन होती है, जींस का जहाँ भी प्रोडक्ट बनता है वहाँ पे हमारा 100% माल तेल का मचा रखा है हमारा प्रीमो डेनिम ने। इस तरीके से फैब्रिक को सैंपल को दिखाया जाता है, इस तरह का सैंपल होता है, फैब्रिक के इस सैंपल दिखाने की कोशिश करेंगे तो सैंपल बहुत सारे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है सर, हमारी गोब की क्वालिटी मेंटेन होती है और कम रेंज के अंदर हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, कपड़े की, डेनिम कपड़े की हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, इसकी वजह से हम अपनी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, हम हमारी जींस की MRP को हम मेंटेन करके चलते हैं और सबसे बेस्ट रेट के अंदर बेस्ट एंड चीप हम देते हैं कस्टमर्स को सर। वही तो, तभी तो यहाँ गोप जींस इतना कम प्राइस में आपको जींस प्रोवाइड कराता है। मास्टर जी कब से काम कर रहे हैं गोप जींस के यहाँ? सर मैं 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल से? हाँ जी, 20 साल से गोप जींस की कटिंग कर रहे हैं। और अभी भी जब कामयाबी होती है, एक मास्टर का ही सबसे बड़ा हाथ होता है और एक मास्टर जी लगे हुए हैं, और यहाँ एक कह सकते हैं कि इनका ही सबसे बड़ा रोल है जो गोप जींस आज यहाँ नंबर वन बना है और जो आज ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि डेनिम कपड़े की कटिंग होने के बाद में कैसे उसकी स्केचिंग, मतलब कि सिलाई कैसे होती है, उसकी कैसे उस पर डिजाइनिंग होती है, कच्चा माल कैसे तैयार किया जाता है, उसकी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे कच्चा माल तैयार हो रखा है, ये हमारा ब्रांड का माल तैयार हो रखा है गोप जींस के नाम से। अच्छा, पीछे की मोरी होती है, ये मोरी मोड़ी जा रही है। अच्छा अच्छा, और हमारे पीछे की बेल्ट में लगने वाली लुप्पी जो होती है, लुप्पी की कटिंग हो रही है। ये लुप्पी की कटिंग हो रही है, देखिए यहाँ पे टांकी लगाई जा रही है, ये टांकी लगी जा रही है, देखो ये हमारी जो पैंट के ऊपर का बेल्ट है, जहाँ बेल्ट लगाते हैं इसके नीचे की होती है, ये यहाँ पे इस तरह की बेल्ट चढ़ाई जा रही है, बेल्ट चढ़ाई जा रही है नीचे की तरफ, देखिए सारा काम हो रहा है। ये पैंट की बेल्ट चढ़ाई जा रही है मशीन के द्वारा, इस पे हमारी सिलाई चल रही है। अच्छा, जैसे डेनिम की पैंट की सिलाई कैसे होती है वो आपको दिखाता हूँ मैं, क्या सिलाई हो रही है, ये सारी मशीनें लगा रखी है इससे सिलाई हो रही है। और हमारे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, मतलब फोर्थ फ्लोर पे भी यही सेम तरह का मशीनें ऊपर लगा रखी है, सेम ये देखिए सारी उसी तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से मशीनें लगी हुई हैं। और ये इसी के हिसाब से हमारे ऊपर भी ये सेम डिटो ऊपर मशीनों का सेटअप लगा रखा है, फ्लोर तक हमारी ये सारी मशीनों का यही सेटअप लगा रखा है, लगभग एक फ्लोर में 50 मशीनों के करीब है, हमारी 200-250 मशीनों का इसका सेटअप चल रहा है पूरे इसी बिल्डिंग के अंदर। हाँ, जो धागा कट रहा है, धागा किस तरीके से कट रहा है सर? वहाँ से वॉशिंग के बाद में आता है माल इसका, फिर इसके जो स्टिचिंग होती है उसके अंदर धागे रह जाते हैं, तो उनके धागों की कटाई होती है, इस तरह की यहाँ से कटिंग होगी, ये फिनिश हो जाएगा एकदम, इस पर सारा धागा हटा दिया जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा रिपीट बटन और टैग लेबल और उसके बाद में प्रेस होगी फिनिशिंग यूनिट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे ब्रांड का लेबल लग रहा है, ये ब्रांड का लेबल लग रहा है यहाँ, ये तैयार हो रहा है गोप जींस के नाम से। रिपीट और बटन का काम ये यहाँ हो रहा है, ये रिपीट वगैरह लग रही है, रिपीट का काम हो रहा है। अलग हमारी नॉर्मल प्रेस होती है उससे अलग प्रेस है, ये स्टीम प्रेस है, इसकी भाप से, क्योंकि मोटा कपड़ा आता है जींस का तो नॉर्मल प्रेस से इसकी फिनिशिंग आएगी नहीं, इसे स्टीम प्रेस से प्रेस की जा रही है। प्रेस होने के बाद में माल पूरी धागा कटने के बाद में टैग लेबल रिपीट बटन लगने के बाद में ये आ गया, प्रेस होकर माल आ गया, बेल्ट डल दी है, इसके अंदर फॉर्म डलेगी और इस तरह के हमारे MRP लेबल लग गए। इधर दिखाओ, ये देखो ये हमारे MRP लेबल लग रहे हैं इस तरह के, इसके ऊपर कौन से पीस कितने MRP है, क्या रेट है, वो इसका सारी हमारी MRP वगैरह इसके ऊपर अब लगाई जा रही है, फाइनल टच दिया जा रहा है इसको, पन्नी में डाला जाएगा और फिर बॉक्स पैकिंग की जाएगी। पैकिंग हो रहा है ये पूरी तरीके से, ये बॉक्स में लगा कितना, और ये तो वेयर हाउस बहुत बड़ा है, देखिए कितना स्टॉक है माल, ये सेकंड फ्लोर है और इसमें कितनी स्टॉकिंग है माल दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए कैमरामैन से दिखाइए किस तरीके का स्टॉक है जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड गोप जींस। रिपीट देखिए, हमारी नाम की रिपीट है सर, ये सब चीज़ें देखिए, प्रिंट वगैरह ये सब चीज़ें, छोटी छोटी बारीक की चीज़ें जो
जितना लोग सर बैक पॉकेट पे काम करते हैं उतना हमारा सर फ्रंट पॉकेट पे काम होता है। फ्रंट पॉकेट पे ये भी इसी तरीके से इसका ये देखिए पैच वगैरह सब अपना कंपनी का सब मतलब बढ़िया चीज लगी हुई है हमारी। इसका जो प्राइस है 1600 सर जैसे हमारा 1630 रुपये MRP है, इसमें हमारा 50 डाउन होता है। 50 डाउन जी सर 50 डाउन होता है 50 डाउन होता है 50 डाउन के बाद में सर हमारा कोई डिस्काउंट नहीं होता, सारा नेट रेट है। ये देखिए सर ये कलर फर्स्ट कलर ये है सर, इसका सेकंड कलर ये है, सेकंड कलर ये देखिए सर सेकंड कलर इसका सेकंड कलर ये है। मतलब किसी के भी सामने आप पीस खोल के डालोगे रिटेलर के सामने कलर खोलिए सारे कलर ये देखिए सर ये इसका कलर चार्ट है सर। ये कलर ये चार कलरों का कलर चार्ट है जो अभी करंट में चल रहा है ऐसा कलर चार्ट। डिफरेंट अगर कोई कुछ मांगता है तो फिर ये आ जाता है ये देखिए डिफरेंट ये बिल्कुल एकदम जैसे कोई कुछ कहता है इन कलरों से हटके दिखाइए तो ये सब टेस्ट होता है। तो इसके अंदर क्या नई डिजाइनिंग दे रखी है? इसमें सर नई डिजाइनिंग ये है जैसे मैंने आपको दिखाया, देखो इसका फ्रंट अलग है इसका बैक अलग है। अच्छा। इसका क्या है सर देखिए इसका टिकट पॉकेट पे काम अलग है, इसका ये काम अलग है और इसका एक धागे का काम अलग है सर। धागे का ये धागा रंग ये देखिए सर इसमें मैचिंग का धागा लगा हुआ है, लोग आते हैं जैसे कंट्रास्ट धागा मांगते हैं तो थोड़ा सा उसमें भी ये चलता है। अभी दोनों फैब्रिक अलग अलग हैं सर, इसके दोनों फैब्रिक हाँ, इसका, 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 इसका ये भी 1630 हाँ जी सर ये भी ये सेम प्राइस का है सर, सेम प्राइस का सेम प्राइस है। और इसके साथ इसके खुला इसके कलर चार्ट निकालो आप, इसका कलर चार्ट ये देखिए कलर चार्ट भी दिखाइए। जैसे एक अपना ब्लैक टोन पे कलर हो गया, एक है सर पिकॉक ब्लू हो गया, पिकॉक ब्लू एक सर है बोटल ग्रीन हो गया ये देखिए, चलो एक है सर अपना ग्रे कलर हो गया ये देखिए। अब मैंने आपको जो पहले कलर चार्ट दिखाया वो एकदम डिफरेंट है, ये उससे अलग है, ये उससे अलग है। जो डिजाइन खोलूंगा उससे सर एकदम हटके होता जाएगा सर, हटके भी दिखाइए कौन सी डिजाइन ये। चलो अब आप ये डिजाइन देखिए सर, जैसे ये पीस मैंने आपके सामने डाला, इसकी बैक अलग थी फ्रंट अलग था सब कुछ अलग था। अब ये जिस डिजाइन के अंदर आप देखो सर ये भी डिजाइन पूरा अलग है, इसकी बैक अलग है फ्रंट पे, इस पे देखिए ये फ्रंट पे काम है। रिपीट वगैरह ये देखिए सर, बटन देखिए इसका, हमारा नाम का बटन लगा हुआ है, इसका नाम का बटन लगा हुआ है जी सर। ये तो चैन जो सर हम लगाते हैं लोकल चैन नहीं लगाते सर, बाइक की चैन लगी हुई है हमारी। इसके और भी क्या खास है इसके अंदर? और सर ये खासियत होती है जैसे लोग अपना प्लान पीस सिंपल बनाते हैं, हमारा क्या है ना सर हमारे पीछे अंदर बेल्ट पे भी काम होता है, बेल्ट पे भी काम है ये देखिए इस तरीके से बेल्ट पे भी काम होता है बाइक वाला। और इसके MRP सर क्या है सर ये देखिए, इसके MRP मैं आपको दिखाता हूँ, ये MRP है 1580 रुपये, 1580 50 डाउन करके इसका रेट 790 हो गया, 790 जी सर 790 में इस रेट हाँ। इसके मैं आपको कलर दिखाऊंगा जैसे मैंने आपको पहले कलर दिखाए वो सब डिफरेंट थे, और ये कलर चार्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए उससे हटके कलर है सारे, ये हटके कलर हैं जी सर। हमारी बेल्ट भी इसमें अच्छी पड़ी हुई है पीस के अंदर, पूरी तरीके से पूरा पीस आना चाहिए, ये पूरा पीस ये देखिए दिखाइए आप, उसे कैमरा मैन से बोलेंगे पूरा पीस दिखाएं इन्हें, बिल्कुल सर ये देखिए ये कलर चार्ट हो, जो कलर चार्ट मैं खोलूंगा एकदम सारा एकदम डिफरेंट होगा। आपको मैंने वो फैब्रिक दिखाया वो अलग था, ये फैब्रिक भी अलग है, विथ कलर भी अलग है इसका सारा, विथ फैब्रिक भी अलग है हाँ, क्या फैब्रिक बोलेंगे ये सर कॉटन वाई कॉटन के अंदर फैब्रिक है, देखिए कॉटन वाई कॉटन के अंदर फैब्रिक है। इसके अंदर क्या डिजाइन खास है? इसके अंदर डिजाइन सर ये खास है जैसे अब मैंने उसमें खाली टिकट पॉकेट सिंपल दिया था, इसमें देखो टिकट पॉकेट भी काम है प्लस ये अंदर भी काम है इसके, इसके अंदर भी काम है और ये देखिए साइड में भी काम है, क्योंकि लोग एकदम सिंपल पीस बनाते हैं ना उसमें हल्का फुल्का काम कर दिया खर्चा बचाने के चक्कर, हमारे यहाँ वो नहीं होता, हमारे यहाँ पीस पे खर्चा होता है पूरा। ये देखिए अपने नाम का हाँ, हमारे नाम की रिपीट होगी, हमारे नाम का बटन होगा सर, बेल्ट हमारे नाम की होगी, बेल्ट इनकी नाम की होगी। तो सर इसकी कलर चार्ट दिखाएंगे आप? हाँ बिल्कुल कलर दिखाएंगे सर, ये देखिए अब जैसे मैं इसका कलर चार्ट आपके सामने खोल रहा हूँ तो ये देखिए सारे के सारे अलग कलर होंगे, ये देखिए कोई कलर आपके सामने मैं सेम नहीं खोलूँगा और सेम है नहीं इसका, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जीत है ना जो सर वो वॉशिंग और कपड़ा और डिजाइनिंग वो तो है ही। तो सर ये पूछना चाहेंगे इसका प्राइस दिखाइए ना, इसकी प्राइस सर MRP ये है सर, ये इसकी MRP है सर 1580 न्यू फैब्रिक चल रहा है, ये देखिए ये न्यू फैब्रिक है, न्यू फैब्रिक में दिखाइए, ये देखिए अभी लेटेस्ट में जो फैब्रिक न्यू आ रहा है सर इसी टाइप के फैब्रिक आ रहे हैं सर, इसका नाम बताइए आप। ये सर हमारा कॉटन बाई कॉटन चेक के अंदर फैब्रिक है, कॉटन बाई कॉटन चेक फैब्रिक जी सर। इस टाइम तो ये सर ये इसके प्राइस दिखाइए सबसे पहले, इसके प्राइस सर ये है ये प्राइस टैग है सर MRP टैग ये होता है हमारा, इसमें 50 डाउन करोगे तो रेट आ जाएगा सर, 50 करें डाउन। इसकी खासियत बताइए, इसकी खासियत सर ये अब आपने देखा सर जैसे ये कपड़ा प्लेन है एकदम कि ये वो निटिंग के अंदर प्लेन हो गया अपना, ये अपना कॉटन बाई कॉटन के अंदर चेक डिजाइनर फैब्रिक है, चेक डिजाइनर हाँ पीस पे काम सर उससे ज़्यादा बेटर इस पर होगा। देखिए आप टिकट पॉकेट पे देखिए एम्ब्रॉयडरी भी है कढ़ाई भी है सब कुछ अलग चीज़ है एकदम जी। इसका ये देखिए सर इधर प्रिंट भी है जी। रिपीट हमारे नाम के है, बटन हमारी नाम की है, इसमें बेल्ट भी हमारे नाम का है सर,
ये देखिए बैक इसकी बैक दिखाएंगे बैक पे भी अच्छा काम है, बैक पे भी बहुत अच्छा काम दे रखा है उन्होंने और बहुत ही साफ सुथरा काम दे रखा है। और थोड़ा सा और इसके कलर चार्ट दिखाइए आप। बैक पॉकेट प्लस योग पे पूरा काम है, इसका कलर चार्ट बहुत सही आएगा सर। ये देखिए अभी तक मैंने जितने कलर खोले हैं ना सर, सारे डिफरेंट हैं, सारे फैब्रिक अलग हैं, सारे कलर चार्ट अलग है। ये देखिए सारे कलर चार्ट अलग हैं। ये इस तरीके से बहुत ही अच्छा मेरे को कलर डिजाइन लगा है इसका और इसके साथ। और अभी अगर कोई कस्टमर जैसे आके कहता है कि भाई साहब ब्लैक ब्लू या इससे अदरवाइज कुछ हटके दिखाइए, तो सर ये टेस्ट आ रहा है अभी। ये देखिए ये देखिए ये पूरी वॉशिंग अलग है, पूरे कलर चार्ट अलग आएगा इसका कलर चार्ट। ये देखिए ये कलर चार्ट में हाँ, ये थोड़ा वॉशिंग सर कॉस्टली होती है लेकिन एक्चुअली क्या है ना, जो डिमांड कस्टमर करता है वो सबसे पहले बनवाते हैं जो अच्छे से, वो तो है। ये देखिए सर इंटरनेशनल ब्रांड ऐसे ही नहीं है। ये चलिए और इसमें ये देखिए सर इसकी प्राइस दिखाइए आप। ये इसकी इसका इसकी एम आर पी सर ये है, एम आर पी टैग इसका ये है सर 1590 रुपये। साउथ वगैरह के कस्टमर आते हैं, साउथ वगैरह हाँ, वो थोड़ा सा मांगते हैं कि प्लेन सिंपल कम्फर्ट में चाहिए जी। तो उनके लिए टेस्ट हमारे पास सर ये बनता है। ये देखिए अदरवाइज किसी भी स्टेट में चले वो नहीं कहता, लेकिन जैसे वहाँ के लोग ज़्यादा इसको लाइक करते हैं, वहाँ के सबसे ज़्यादा पसंद हाँ वो कम्फर्ट मांगते हैं ज़्यादातर आगे, तो उनका भी हमें ध्यान देना पड़ता है। उनके लिए वरायटी हम पूरी रखते हैं, इसके अंदर 6-7 कलर होंगे, बेसिक पीस होता है एकदम सिंपल। ये देखिए सर काफ़ी हाँ, इस पर ज़्यादा डिजाइनर चलता नहीं है और हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी होती है इस पर बस, सब साउथ की तरफ चलता है हाँ। 6-7-8 कलर आते हैं इसके अंदर, साउथ के अंदर सारे 6-7 कलर दिखा दो मैं वहाँ हाँ। एक कलर चार्ट देखिए आप एक बार इसका कलर चार्ट, ये देखिए ये इसका कलर चार्ट आएगा आपका। और इसके अंदर साइज भी हम सारे बनाते हैं जी, 30 से 36, 32 से 38, 38-40। ये देखिए सर मतलब कार्बन ब्लू पिको ग्रे वोटल ग्रीन सारे कलर हैं। ये देखिए वहाँ चलते हैं वही कलर यहाँ आपको दिखाई। ये देखिए बाद में सर फिर ये फैब्रिक देखिए, ये सलब के अंदर फैब्रिक है सर, कॉटन बाई कॉटन सलब के अंदर है, कॉटन बाई कॉटन सलब के अंदर। ये देखिए अब इसका मैं आपको कलर चार्ट दिखाता हूँ, तो सर ये देखिए कलर चार्ट भी इसका डिफरेंट है। प्लस इस पर सर एक बात और ऐसी इसके अंदर सर, इसके बैक पे काम बिल्कुल अलग है। ये देखिए बैक पे काम देखिए बैक, जैसे छोटी छोटी जो बारीकी वाले चीज़ें होते हैं ना वो हमारे पीस पे हर पीस पे मिलेंगे आपको जी। ये देखिए जैसे इधर से देखिए आप योग पे देखिए, ये सब देखिए इस तरीके से। ये देखिए काम बहुत अच्छा कर रहा है। इसके कलर चार्ट दिखाइए सर, इसका कलर चार्ट देखिए सर। अब जैसे वो तो बेसिक टेस्ट था उसका अलग कलर चार्ट हो गया, इसका कलर चार्ट एकदम अलग हो गया। ये देखिए ये कलर चार्ट बिल्कुल एकदम अलग, कोई भी कलर आप खोलोगे सेम नहीं होगा, जो चलने वाले कलर होते हैं वही सारे लेटेस्ट कलर वही हैं सर। इसका सर एमआरपी एरा सर 1590, इसका एमआरपी 1590 और इसका 1550 जी सर। ये देखिए ये देखिए ये कलर चार्ट है इसके, और सही है इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंट है इसके और इसका सर डिफरेंट ये है कि इसके वाशिंग अलग है और फैब्रिक अलग है। फैब्रिक कि जो मैंने जैसे आपको ये दिखाया ये फैब्रिक अलग था, इसका कलर चार्ट अलग है, ये फैब्रिक अलग है, इसका कलर चार्ट एकदम डिफरेंट आएगा। डिफरेंट है काम प्लस उससे अलग होगा, जैसे ये डिजाइनिंग अलग है इसका, देखिए टिकट पॉकेट पे ये काम है, इसका ये काम है, इसकी बैक पे ये काम था और इसकी बैक पे ये काम है, डिजाइनर अलग पीस है। ये देखिए इसकी कलर चार्ट, इसका कलर चार्ट ही आएगा सर, चार कलर होंगे नहीं 5 कलर है इसमें सर। ये देखिए 5 कलर सारे अलग अलग है, ब्लैक ब्लू कार्बन ब्लू पिकॉक ब्लू सारे डिफरेंट, जो लेटेस्ट कलर अभी चल रहे हैं सर वही कलर है सारे। अब ये टेस्ट देखिए सर, ये वॉशिंग भी अलग आएगी, फैब्रिक भी अलग है और डिजाइन भी अलग है। ये देखो आप वॉशिंग और डिजाइन, क्योंकि ये जो एम्ब्रॉयडरी बैक पॉकेट की सबकी चेंज होती है लगभग, और सब पे काम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये देखिए इसका फैब्रिक का नाम बताइए। ये सर फैब्रिक है अपना निटिंग के अंदर है, फ्लैक्स नीट वाला। ये देखिए इसके अंदर आपको 5 कलर मिलेंगे, 5 कलर जी सर। 5 दिखाइए जैसे एक ब्लैक कलर हो गया जी, एक अपना ग्रे कलर हो गया जी, एक सर बोटल ग्रीन कलर हो गया जी। ये देखिए ये अपना डार्क ग्रे के अंदर हो गया सर, ये सर कार्बन ब्लू के अंदर हो गया, कार्बन ब्लू। ये देखिए कि फिर ये जो मैंने आपको पहला डिजाइन दिखाया था उसी में दूसरा डिजाइन है, दूसरा फैब्रिक है, दूसरा फैब्रिक। ये सर का नाम बताओ। ये सर फैब्रिक है अपना निटिंग के अंदर है, प्लेन आइटम, निटिंग के अंदर प्लेन आइटम जी सर। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं ये सब चीज़ें नहीं है सर, ये वॉशिंग कराई हुई है सर जी।
जैसे अभी कैमरे में जैसे दूर से दिखे कि ऐसा है वैसा है, लेकिन ये क्या सर हमारा पीस है वाशिंग किया हुआ है, वाशिंग किया हमने ये डिजाइन बनवाया पीस के ऊपर जी। इसके आप कलर देखेंगे तो कलर चार्ट इसका ये आएगा सर, कलर चार्ट ये देखिए, ये डार्क हो गया, ये मीडियम हो गया, ये लाइट में हो गया सर, ये देखिए लाइट। कितना शानदार कलर हैं, जो छलने वाले कलर हैं वो कलर आपको मिलेंगे, और इसका जो डिजाइन है पीछे की वही सेम बढ़िया करके जो आज का सबसे लेटेस्ट चल रही है वो डिजाइन आपको मिलेगी। इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस सर आएगी आपकी 1590। इसके बाद में सर ये टेस्ट आता है, लोग कहते हैं जैसे ओडी के अंदर माल चाहिए, ओवर डाई के अंदर डाइना में ओवर डाई में कलर अभी मांग रहे हैं लोग जी। जैसे फैब्रिक नाम बताइए। ये फैब्रिक है सर अपना कॉटन बाई कॉटन, कॉटन बाई कॉटन जी सर। तो देखो कितना अच्छे से इसको देखिए, पीछे बेल्ट पे काम दे रखा है, देखिए आप कितना साफ से दिखाएंगे आप, ये देखिए काम देती है। गॉब जींस अपना अलग से एक कपड़े का लेबल लगाती है पीछे की तरफ, और आप मैं दिखाने की कोशिश करूँगा गॉब जींस, यहाँ भी अपना जो लेबल लगता है साइज का वो भी यहाँ वहाँ भी अपना नाम दे रखा है। एक गॉब जींस अपने बटन पे भी दे रखा है, बेल्ट पे भी दे रखा है, और साथ में यहाँ भी गॉब जींस दे रखा है, बेल्ट पे भी लोगो आएगा, लोगो हमारा भी आएगा, उसके साथ में पीछे भी लोगो दे रखा है, और ये एमआरपी है, और एमआरपी है 1590। ये गॉब जींस एक लोगो यहाँ का, मेरे को लगता है गॉब जींस के इतना लोगो। ये देखिए सर दिखाइए, ये इसके कलर चार्ट है सर जो मैंने आपको नीचे पीस दिखाया है, कोई भी कलर खोलूंगा सर कोई डिफरेंट मतलब इसके मैचिंग करता हुआ कलर नहीं मिलेगा आपको, मैचिंग करता हुआ कलर नहीं है, हाँ सारे डिफरेंट कलर होंगे सर। ये देखिए अभी तक मैंने आपको जितनी डिजाइनिंग दिखाई सारी डिजाइनिंग अलग दिखाई, सारे फैब्रिक अलग दिखाए, ये देखिए सर क्योंकि हमारे यहाँ सर जो भी कस्टमर आएगा उसे मार्केट से कुछ हटके मिलेगा। कॉटन के अंदर सर एक बार देखिए, क्योंकि हमारा जैसे कॉटन के अंदर फैब्रिक अलग अलग होते हैं, साइज अलग अलग होते हैं। कॉटन में सर ये फैब्रिक देखिए आप, डोबी फैब्रिक के अंदर है कॉटन, कॉटन फैब्रिक थोड़ा सा दिखाएं, कैमरामैन से बोलेंगे हम यहाँ दिखाएं थोड़ा बारीकी से दिखाएं कॉटन का साइज और अपना जो पैटर्न है इसके अंदर सर। एक हमारे पास दो डिजाइन चलते हैं जी। जैसे एक अपना क्रॉस पॉकेट के अंदर आ गया, एक अपना डी पॉकेट के अंदर आता है जी। और बैक इसकी ये आती है सर, क्योंकि बैक पे इसके कॉटन पर ज़्यादा काम नहीं होता, बैक पर इन पॉकेट आता है या फिर आउट पॉकेट आता है जी। और किस तरह की फिनिशिंग दे रखती है, अलग ही खेल है। और इसका कलर चार्ट भी बहुत प्यारा है इसका। अच्छा, इसके बाद आपको इसके कलर चार्ट दिखाई, इसका प्राइस भी होगा। हाँ, इसका कलर चार्ट देखिए पहले आप जी। ये देखिए ब्लैक, ये देखिए सर, ये देखिए सारे डिफरेंट कलर आएंगे, मतलब ग्रे, ब्लू, ब्लैक, चलने वाले कलर है, देखें कितना लाइट वेट, जो लेटेस्ट चल रहे हैं अभी सर सारे वही कलर हैं इसमें। ये देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि कस्टमर के सामने कलर खोलो कह दे भाई साहब ये तो सेम ही सेम है। देख रहे होंगे आप कितने जो कलर चल रहे हैं आजकल मार्केट में वो सब। ये देखिए सर, इसके ग्रे, लाइट ग्रे के अंदर है ये। इसमें कितने कलर हैं टोटल? इसमें 9 कलर हैं सर, 9 कलर हैं। ये देखिए, ये ब्लू के अंदर है सर। सर इसका प्राइस? इसका प्राइस सर है एमआरपी इसकी ये आती है, देखिए सर एमआरपी टैग है 1420। इसके बाद में सर फिर ये फैब्रिक आते हैं, जैसे कोई कहता है हमें लाइट नहीं चाहिए डीप टोन में दिखाइए जी, तो सब ये फैब्रिक आते हैं जी। ये कॉटन के अंदर सर प्रिंट के अंदर है डिजाइनर पीस, ये देखिए सर, ये हमारा सर डिजाइनर फैब्रिक होता है कॉटन के अंदर जी। जैसे ये प्लेन के अंदर हो गया, ये डिजाइनर के अंदर हो गया, इसका कलर चार्ट सर ये होता है, ये देखिए जैसे अपना ब्राउन कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, एक है ब्लैक कलर हो गया, मतलब किसी में 4 कलर है, किसी में 5 कलर है, किसी में 9 कलर है, 10-12 कलर तक हमारा रेशो कलर चार्ट का आता है। सर ये बाबूजी अभी बोल रहे थे कि किसी में 50 डिस्काउंट है, तो किसी में क्या मतलब? सर वो आइटम है एक्चुअली क्या है ना, वो अलग अलग आइटम है, जैसे अब किसी में 50 लेस होता है आइटम में, किसी में 45 लेस होता है, सब में 50 नहीं होता है। तो अभी हमने ये सभी देखे ये, हाँ जैसे मैंने आपको जो डायनम की आइटम दिखाई है पहले सारी, उसके अंदर क्या है, उसमें जो बेसिक पीस दिखाया था वो 45 में अंदर, बाकी सब 50 में है, मतलब बेसिक एक जो आइटम। हाँ, जो एक दो आइटम जो नीचे पीछे दिखाई है वो 45 में, बाकी सब 50 में। और जैसे कॉटन में आपको दिखा रहा हूँ, कॉटन में लगभग ज़्यादातर इसमें 50 में ही आता सारा। ये देखिए अभी प्लेन फैब्रिक है सर, प्लेन शार्टन के अंदर प्लेन हैवी फैब्रिक है। अभी कैमरामैन से बोलेंगे ना ढंग से इधर से आकर दिखाएं आप थोड़ा सा इन्हें किस तरीके से। ये देखिए कलर चार्ट देखिए आप, नाम बताइए इसका नाम सर। शार्टन में प्लेन आता है सर, शार्टन में प्लेन जी सर। तो जो साटन में भी एक साटन आता है सर हल्का वाला, वो नहीं हमारा हैवी कपड़ा लगा हुआ है सर, MRP 1340 है सर। ये देखिए ऐसे करके देखिए सर 1340। तो इसका सर डिज़ाइन
अब आप ये चीज़ देखिए सर, मार्केट में आप कहीं भी जाए गए होंगे, पीस नहीं देखोगे, ये चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी सर। नहीं नहीं, ये नहीं मिलेगी। और हमारे हमारे सर कॉटन में लगभग पॉकेट पे डिज़ाइन किसने अलग दी गई है इसमें सर? डिज़ाइन इस तरह से अलग है, देखिए जैसे आपको मैंने यह दिखाया था, ये देखिए इस पर खाली एम्ब्रॉयडरी और वो रिपीट है। इस पर क्या है सर, इस पर देखो डिज़ाइन भी दिया हुआ है, ये देखिए, और प्लस ये चीज़ भी दी हुई है। क्योंकि इन चीज़ों में सर कारीगर का पैसा लगता है, लेकिन हमारे से यहाँ वो नहीं है कि 10-20 रुपये सर ऊपर एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन पीस उठना चाहिए। इसकी कलर चार्ट? इसका कलर चार्ट ये है सर, ये देखिए, ब्लैक हो गया, वोटल ग्रीन कलर हो गया, एक अपना ब्लू कलर हो गया सर, ब्लू भी देखो कितना शानदार है। कलर चार्ट दिल जीतने वाले कलर हैं सारे। एक है सर ग्रे टोन पे कलर, ये देखिए सर, एक है कैमल कलर आएगा सर, ये देखिए। किसी के सामने कलर चार्ट खोल दोगे ना, बंदा ना लेने वाला भी यहाँ करके जाएगा कि माल चाहिए, ऐसा कलर चार्ट है। इसके अंदर सर क्या है देखिए, लेवल हमारा ये भी नाम का ही होगा सारा, जो उसमें दिखाया वो भी है सर, ये देखिए ये भी लेवल वैसा ही लगा हुआ है हमारा, और ये इसका बैक का काम अलग होगा, बैक का काम अलग है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना, ये सब बिल्कुल एकदम। इसका सर MRP आएगा 1390। हाँ, इसका जो कलर चार्ट आता है सर, इसमें डीप टोन में चलता है, इसमें लाइट टोन में कलर चार्ट नहीं चलता। ये देखिए, ये देखिए, जिसमें हमारे सर सारे होते हैं। आप जैसे कस्टमर कहता है हमें 28 से 34 चाहिए, तो 28-34 ले लो, कहता है 30 से 36 चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साइज, अगर ये पूछते हैं कि आप कौन कौन सा साइज है, कभी कभी किसी का क्वेश्चन होता है कि आप साइज तोड़ के भी देते हो या नहीं देते हो, या मिल जाता है कि नहीं मिलता, ये क्या है इसके? एक्चुअली क्या होता है मैं बताऊँ आपको, जैसे कॉटन के अंदर हमारे पास जो ज़्यादा साइज बनते हैं वो 30 से 36, 28 से 34 ये मेन साइज है हमारे, और हम किसी किसी लोड में 32-38 भी कटवाते रहते हैं, प्लस 38-40 भी कटवाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं बड़ी कमर चाहिए, तो उनके लिए भी हम ध्यान देना पड़ता है। और अगर कोई आता है जैसे असॉर्टमेंट चाहिए, तो हमारा जब लोट बन के आता है तो उसके साथ में 50-60 पीस 70 पीस 80 पीस हर साइज़ में हम एक्स्ट्रा कटवाते रहते हैं जी। वो इसलिए कटवाते हैं कि हमारे पास रिटेलर आता है कि भाई साहब इस बार मुझे को 32 के 20 पीस चाहिए, 30 के 20 पीस चाहिए, 34 के 20 पीस चाहिए, तो वो उसकी भरपाई हो जाती है। क्या भरपाई? आप कभी कोई मांगना चाहे साइज टूट के आप उसको मिल सकते? हाँ, जो अवेलेबल साइज होता है वो तुरंत कहता हूँ, हमारा ऊपर स्टॉक है, आप जाके छाट लीजिए। साथ में लड़का जाता है, वो आप एक एक पीस दिखाएगा आपको, आपको जो समझ में आया अलग कर लीजिए। जरूरी नहीं होता कि अगर आप कह दो कि मेरे को इसी डिजाइन का चाहिए, तो वो नहीं होता, उसमें मिक्स डिजाइन होता सारा, उसमें मिक्स है, आप ऊपर चले जाइए। हाँ, और जो आप जो आपको बेटर लगे वो आप छाट के लिए आइए नीचे। ये डिजाइनिंग अलग है, ये फैब्रिक भी अलग है, ये देखिए, ये प्रिंट के अंदर फैब्रिक है सर। इसके अंदर क्या है सर, जैसे मैंने आपको इसका पॉकेट दिखाया, तो ये क्रॉस पॉकेट है, पीछे से इसका क्या है सर, ये इन पॉकेट है। इसमें क्या है सर, इसमें एक खासियत है कि पीछे से आउट पॉकेट है और आगे से डी पॉकेट है। इस पीस पे काम देखिए सर, फैब्रिक नाम क्या बोला इसने? ये सर प्रिंट के अंदर फैब्रिक है, प्रिंट के अंदर जी सर। ये देखिए, छोटे से छोटा एकदम, इसमें बहुत बारीकी वाले काम बहुत ज़्यादा है, ये देखिए, तो बेल्ट पे भी देखिए, इसका अस्तर भी देखिए आप जी। अरे सब चीज़ फैंसी है एकदम, ये देखिए। अब इस पर एक चीज़ देखो सर, इसकी MRP थोड़ी सी सर इन पीसों के मुकाबले थोड़ी सी अलग है, इसकी है सर 1550। ये MRP है सर इसकी। तो सर इसके बाद इसके कलर चार्ट दिखाइए। इसका कलर चार्ट आप देखिए, कलर चार्ट बहुत प्यारा है इसका, ये देखिए। इसके अंदर सर आपको 4 कलर मिलेंगे, जो अभी गर्मी के उसके हिसाब से कलर चल रहे हैं सर, वही कलर है सारे, ये देखिए, 1, 2, 3, 4 कलर है इसमें। अगर आप जैसे कोई कस्टमर कहता है मुझे 30 से चाहिए, तो 30 से 36 मिल जाएगा, 32 से 38 मिल जाएगा, 32 से 38 मिल जाएगा, 30 से 36 जी सर। इसमें दो ही साइज हैं, 30 से 36, 32 से 38। इसके बाद में सर एक फैब्रिक हमारा ये होता है, ये देखिए, ये भी प्रिंट के अंदर है, हल्का डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा सर, ये प्रिंट है सर। इसके अंदर इसके अंदर क्या है सर, जैसे ब्लू कलर हो गया, ये ब्राउन, ये ब्राउन कलर प्रिंट के अंदर सर प्लेन फैब्रिक है, प्लेन फैब्रिक। ये देखिए सर, इसके अंदर आपको 3 कलर मिलेगा, जैसे ब्राउन, ब्लू, ब्लैक। ब्राउन, ब्लू, ब्लैक जी सर। इस पर हल्का डिजाइन है फैब्रिक के ऊपर, इसके अंदर भी आपको दोनों साइज मिलेगा, 30 से 36 28 से 34। एक्चुअली हमारा जो बॉक्स होता है वो 4 पीस की पैकिंग होती है उसकी जी। उसमें सिंगल सिंगल साइज होते हैं सारे जी। जैसे अगर 28 से 34 है तो उसमें 28, 30, 32, 34 4 पीस की पैकिंग होगी। 30 से 36 है तो उसमें 28 नहीं होगा, वो 30 से स्टार्ट होगा, 30, 32, 38, 36 34, 36 सॉरी, ऐसे होगा। तो इसके बाद जो ये कलर चल, ये देखिए, अब ये फैब्रिक देखिए सर, डिजाइनर फैब्रिक है, अलग फैब्रिक है एकदम जी, बिल्कुल सिंपल जी। ये देखिए,
क्योंकि सारे प्लेन भी नहीं मांगते लोग, सारे डिजाइनर भी नहीं मांगते, इसलिए ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, सब कुछ अलग अलग है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि आप यहाँ करके दिखाइए। हाँ, कलर चार्ट इस पीस की सर ये दिखाइए सर, फैब्रिक कैसा है सर, किस टाइप का फैब्रिक है, एकदम बिल्कुल अलग फैब्रिक है। अलग फैब्रिक है, इसको दिखाइए। ये देखिए सर, पीस पे काम वगैरह सब एकदम एक्स्ट्रा होगा, इसके 3 कलर मिलेंगे आपको। इसका प्राइस, इसका सर MRP सर ये रही 1450 सर। सिस्टम सर MRP सबका वही है, किसी पे 45 लेस है, किसी पे 50 लेस है। इसके कलर कितने हैं? इसके 3 कलर सर। 1, 2, 3 जी। अब एक आइटम ये देखिए सर, बहुत अच्छा ये है। हल्का हल्का चेक के अंदर फैब्रिक है सर, ये देखिए हल्का हल्का चेक के अंदर। जी सर, ये थोड़ा सा एक्चुअली अगर हटाना चाहो इसको तो हटा भी सकते हो। इसे खोल के खोल के दिखा देते हैं। AC का कलर है। अब आपने जितने पीस देखे इस फैब्रिक के अंदर सर, प्लेन के अंदर चेक है बिल्कुल एकदम हल्का, जो जो माइनर चेक होता है वो वाला चेक है सर। एक बड़ा चेक होता है, एक बारीक चेक होता है, ये मीडियम है सर। इसके अंदर डिजाइनिंग खोल के दिखाएं। हाँ ये देखिए सर, बैक है इसके सर। बैक को कितना अच्छा इन्होंने डिज़ाइन दे रखा है और सिंपल बहुत ही अच्छा कलर लगा है चेक का। और इसके साथ में मुझे लग रहा है कि वैरायटियां तो बहुत सारी होंगी दिखाते दिखाते। हाँ बहुत सारी है सर, अगर आप देखना चाहोगे तो हम रात तक भी नहीं दिखा पाएंगे इतनी वैरायटी हमारे पास। तो हमें जो मैं एक्चुअली मैंने आपको अभी थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि ये डिज़ाइनिंग हमारे पास अवेलेबल ऐसे मिलता रहता है। अब अगर आप कहोगे मेरे को कॉटन में दिखाओ, तो कॉटन में कम से कम 100-150 डिज़ाइन होते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे पास माल शॉर्ट हो गया तो हम कस्टमर से कहते थे जो ओपन लिखवा दो, क्योंकि अभी हमारे पास माल अवेलेबल नहीं है। क्योंकि हमारा टेस्ट सबको पता है जो हमारे कस्टमर जुड़े हुए हैं, कि वहाँ अगर ओपन भी लिखवा देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि माल उनका एकदम जेन्युइन होता है और बढ़िया माल आएगा, बढ़िया क्वालिटी होगी, हर चीज़ सिस्टम से होगी। जैसे मैंने आपको डायनम के अंदर वहाँ से स्टार्टिंग करी थी, तो वहाँ से हमारी सर एक कमरेड की भी ये डायनम आती है प्लान विदाउट बेल्ट कमरेड की। हाँ देखिए, कोई भी एक बंदा वो पूछता है कि थोड़ा सा जो है, जैसे बहुत से कहते हैं हमें एकदम मीडियम रेंज में दिखाइए स्टार्टिंग रेंज में, तो वो सर हमारी ये रेंज होती है। इसके MRP सर ये आती है, ये देखिए। अब इसका पीस के डिज़ाइन देखिए सर, इसके MRP सर आएगी ये आपकी 1350 रुपये। 1350 रुपये वो जो मैंने आपको दिखाया आप सब 1500-1600 की MRP का था, ये 1350 का है। ये 1350 की MRP का। और इसके अंदर सर आपकी डिजाइनिंग चेंज होती जाएगी सर। जैसे मैंने आपको एक पीस ये दिखाया डिजाइन का, अब ये क्या देखिए सर, इसके बैक का काम अलग मिलेगा, उसके बैक का काम अलग मिलेगा। ये देखिए काम अलग अलग मिलेगा। कोई कहता बिना बेल्ट के अगर जानने की कोशिश करेंगे तो इसका प्राइस? इसका प्राइस सर वही है, सेम प्राइस है 1350। 1350 में ये कितना बढ़िया करके फैब्रिक की सर पूरी गारंटी होती है हमारी सर, चाहे वहाँ से लेके यहाँ तक की। हम कस्टमर को बोल के चलते हैं, कलर में कोई दिक्कत आए, वैसे कोई दिक्कत आए, डिजाइन कोई इसमें सर डिजाइनिंग आती रहती है और चलती रहती है। गोप जींस के मालिक सुभाष जी के पास जो गोप इंटरनेशनल जो ब्रांड है, सर आप अपने कस्टमर्स के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, जो कि काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और नए कस्टमर आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या फैसिलिटी और क्या एक नया दे रहे हो, और किस कम प्राइस के अंदर में ऐसा क्या नया दे रहे हो आप बताने की कोशिश करेंगे, और किस कारणवश दे पा रहे हो इतना सस्ता और अच्छा? सबसे पहले तो मैं सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती टाइम निकाल के मेरे पास आए और मेरी फर्म के बारे में जानकारी ली और हमारे ब्रांड के बारे में आपने इच्छा जाहिर की कि मैं उसकी जानकारी ले सकूँ। ठीक है, आज का जो दौर है हम उसके अनुसार चलने वाले इंसान हैं। हमने जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो कोरोना के बाद हम लोगों ने नई चीज़ और नए फैब्रिक और नया सब कुछ देने की कोशिश की है, ताकि कस्टमर को ये फील हो कि भाई अब इतना गैप के बाद यदि हम गोप पे जा रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ है। हम कई तरीके की फैसिलिटी दे रहे हैं व्यापारी को, जैसे कि फैब्रिक एकदम नया है, डिजाइन एकदम नए हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट जो फैब्रिक है हम वो देने की कोशिश करते हैं, ताकि फैब्रिक और क्वालिटी दोनों व्यापारी को बाज़ार से डिफरेंट मिल सकें और प्राइस भी रिजनेबल मिल सके। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि अपने व्यापारी को कम से कम प्राइस में और बेहतर से बेहतर क्वालिटी हम प्रोवाइड कर सकें। वो आपने भी देखा होगा, कुछ सैंपल आप देख रहे थे, मैं देख रहा था, तो आपने भी अनुभव किया होगा बाज़ार से और हमारे प्रोडक्ट में क्या कितना अंतर है। वही मैं देख रहा था कि आपके जिस तरीके से जो प्राइस है, जो रेट आपने दे रखे हैं, जितने अच्छे फैब्रिक दे रखा है आपने, प्रीमो एक डेनिम फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, जिससे जिस वजह से आप ये इतने अच्छे रेट दे पा रहे हो। सर प्रोमो डेनिम फैब्रिक के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो प्रोमो डेनिम फैब्रिक जो है वो तकरीबन आज
आज की डेट में नई लॉन्चिंग होने के बावजूद भी बहुत फेमस ब्रांड बन चुका है, क्योंकि अभी जो हमारा दिल्ली में फेयर था डेनिम फैब्रिक का, डेनिम का शो था, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और अभी जस्ट 12-13-14 तारीख का बॉम्बे में फेयर था हम लोगों का, जो कि प्रेमो डेनिम के नाम से ही था, प्रेमो का ही अपना शो था, डेनिम शो था, एकदम डिफरेंट था। उसमें आपको मैं वीडियो भी दिखाता हूँ, उसमें थोड़ी बहुत जो झलक है मेरे पास आई है, एकदम उसमें भीड़ है, लोगों की इच्छा है कि भाई कुछ हटके मिल रहा है, प्राइस भी और फैब्रिक भी, दोनों चीज़ हम कोशिश करते हैं कि नई से नई और प्राइस में चीप एंड बेस्ट दे सकें। सर आज देखा जाए तो मेरे को लगता है कि आप धागे से लेके आप पैंट जो दे रहे हो वो खुद का अपना फैब्रिक हो गया पूरा। मैंने फैब्रिक बनाने की हमने इसीलिए चेष्टा की कि भाई जो चीज़ हम व्यापारी को कम से कम प्राइस में दे सकें, कहाँ से कॉस्टिंग कम कर सके, व्यापारी को बढ़िया और सस्ती और बढ़िया चीज़ दे सकें, इसीलिए हमने फैब्रिक भी खुद का मेड करते हैं। फैब्रिक में भी हमारी अच्छी चेन है, अच्छी सप्लाई है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में हम फैब्रिक भी इस टाइम सेल कर रहे हैं, तो उसी फैब्रिक के बेस पे हम क्वालिटी भी बेहतर जो व्यापारी चाहता है वो दे सकते हैं, प्राइस जो व्यापारी को मिनिमम से मिनिमम प्रोवाइड करा सकते हैं, ये सब चीज़ें करके हमारे बहुत लंबी चैन हमने कोशिश की है जोड़ने की। सर क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो कि नए कस्टमर हैं, उनसे क्या आप? मेरी सभी लोगों से विनती है कि एक बारी सेवा का मौका अवश्य दें, एक बारी आके जरूर देखें हमारे प्रोडक्ट और हमारी क्वालिटी, हमारा फैब्रिक, एक बारी ज़रूर अवश्य सेवा का मौका दें, एक बारी आके ज़रूर चेक करें। मेरी सब लोगों से विनती रहेगी कि एक बार ज़रूर आएँ।